हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर चालक, परिचालक एवं जो भी और पोस्ट हैं राजस्थान रोडवेज के अंदर, उन पर लगभग 5200 पदों की भर्ती आ चुकी है। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसके बाद काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आने लग गए, फोन कॉल्स, मैसेज आने लगे कि सर इस भर्ती का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। साथ में दोस्तों जो लास्ट टाइम वैकेंसी हुई थी 2013 की, उस पेपर का एनालिसिस भी आपको बताने वाला हूं। उसमें क्या प्रक्रिया रही थी, यानी कितनी उसकी कट ऑफ रही थी, किस स्तर का पेपर आया था, कहां से ज्यादा प्रश्न आए थे, सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको पल पल की सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर। इसके अलावा कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि सर जो है इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए जैसे 12वीं के साथ में जो रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, उसके बाद परिचालक का जो है आपका लाइसेंस बनता है, अगर आप कंडक्टर में आवेदन करते हो तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ राजस्थान में करवाया जा रहा है, क्या प्रोसेस रहेगी, कितने रुपए लगेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना तभी जानकारी समझ में आएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर लगभग 5200 पदों पर ये जो है वैकेंसी आपकी आ चुकी है, और इसका एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पाठ्यक्रम, सिलेबस, 2013 भर्ती की कट ऑफ एवं पेपर एनालिसिस, इन सारे बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर आप सर्च कीजिएगा स्टडी विद एमके। ये फ्री एप्लीकेशन है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी, जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह, पिछली भर्ती का पेपर और रेडक्रॉस से संबंधित जानकारी। तो आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों अभी जाकर, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, या सर्च कर लेना स्टडी विद एमके चौधरी। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर इस भर्ती से संबंधित जो कोर्स है वो भी आपको इस पे मिलने वाला है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर, साथ में बुक्स भी आपको मिलेगी, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, पिछली भर्ती के पेपर वगैरह भी आपको मिलने वाले हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जल्दी इस पे कोर्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करना चाहेंगे दोस्तों कि इसका जो एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न, ये ऑफलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दोस्तों। अब यहां पर बात करना चाहेंगे दोस्तों कि इस पेपर के अंदर जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और 100 ही यहां पर दोस्तों अंकों के रहेंगे, यानी कहने का मतलब एक प्रश्न जो है दोस्तों एक नंबर का आपका यहां पर रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी 120 मिनट आपको दिए जाएंगे इस पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल 2013 की जो भर्ती थी उसमें नहीं थी दोस्तों, हो सकता है इस भर्ती के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। बाकी जो राजस्थान के अंदर सीटी की वैकेंसी को छोड़कर सभी के अंदर नकारात्मक अंकन रहता है, तो वो यहां पर अपन देखेंगे आगे, ठीक है। आगे यहां पर बात करना चाहेंगे दोस्तों कि परीक्षा करवाने वाली जो एजेंसी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपका इसका एग्जाम करवाएगा, संभवत है दोस्तों, ठीक है। अब सिलेबस पर चर्चा करते हैं, तो इसमें जीके एंड जीएस, विशेष राजस्थान जीके दोस्तों यहां पर देखते हैं। विशेष मैंने यहां पर इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि 50% राजस्थान जीके आएगा इसके अंदर, कम से कम मान के चलो दोस्तों 50% जो क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं, जिसमें आपके राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इसके अलावा राजस्थान की राज व्यवस्था, इन विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स की यहां पर बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अभी से आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि जब एग्जाम आएगा, उस एग्जाम डेट आएगी, उस समय आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी बाकी जो सिलेबस है उस पर आपको फोकस करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों जीएस, जीएस का मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके साइंस के आ सकते हैं, इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन आपके जो है इंडिया जीके का पोर्शन यहाँ पर आ सकता है, जिसके अंदर आपके जो है आधुनिक भारत का इतिहास आ सकता है, और आपकी जो पॉलिटिकल है वो आ सकती है दोस्तों। तो इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन ये भी आएंगे दोस्तों। विस्तृत इनका सिलेबस यहाँ पर नहीं बताया, बाकी राजस्थान जीके आपका यहाँ पर आने वाला, ठीक है। बाकी बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ और रीजनिंग के आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ पर रहने वाली है। आगे बात करते हैं हिंदी और अंग्रेजी की, तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी जो है आपकी आएगी, लेकिन अंग्रेजी फिलहाल जो है हो सकता है स्किप भी हो सके दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं, और अगर आ भी जाए तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इसके एग्जाम, इस जो पेपर होगा उसके अंदर और किस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा, जो दोस्तों आप रेड क्रॉस करोगे उसमें आपको सिखाई जाएगी, वही चीज आपको वहां पर एक आध प्रश्न आपका आ सकता है, कि जैसे मान लो कि किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है बस के अंदर, तो घायल व्यक्ति है उसको आपकी जो है प्राथमिकता रहती है कि कैसे उसको जो है आप उसका इलाज करोगे, क्या उसको प्राथमिक चिकित्सा आप प्रदान करोगे, तो इसीलिए रेड क्रॉस का कोर्स करवाया जाता है जो कंडक्टर होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपको नॉलेज से जो यहाँ पर नॉलेज ऑफ व्हीकल ट्रैफिक रूल, जो आपके यातायात के नियम है दोस्तों, उनसे संबंधित कुछ आपसे पूछा जाता है कि रेड लाइट जो है उसका क्या महत्व होता है, ठीक है ना, ग्रीन लाइट जो होती है उसका क्या महत्व होता है, तो इस तरीके के जो दाएं बाएं वगैरह ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो वो चीजें भी आपको एप्लीकेशन पर हम डाल देंगे, उसे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मेन जो आपका सिलेबस है ये आपका यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये चीजें हो जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट, जो व्यक्ति ड्राइवर से आवेदन करना चाहेगा उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, बाकी कंडक्टर के लिए कोई भी ड्राइविंग टेस्ट, रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों
कि जो पिछली बार की इस भर्ती की कटऑफ रही थी दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 2013 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रही थी 3191, उस समय कितनी वैकेंसी रही थी दोस्तों 3191 पदों पर भर्ती थी ये, और इसमें जो कैंडिडेटों ने आवेदन किया था कुल फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी थे 200,000 लगभग, ये डेटा बता रहा हूं दोस्तों, हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो जाए लेकिन एग्जिट डेटा नहीं है, लेकिन 200,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ उस समय रही थी दोस्तों जनरल कैटेगरी की 60 रही थी। अब आप सोच लो 2-4 नंबर ओबीसी की, एससी की, एसटी की कम रहती है, ठीक है ना, और फीमेल की लगभग दोस्तों 50% के आसपास उस समय कट ऑफ रही थी, यानी 100 में से। लेकिन दोस्तों ये बात हो चुकी है 2013 की, इस बात को हो चुकी है आज 10 वर्ष, तो 10 वर्षों के अंदर आपको पता है दोस्तों कितना जो है कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है, और आपको पता है दोस्तों जो है प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। तो इस बार जो है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, इतनी भी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आपकी रहे, तो ये 60-70 के आसपास ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी पेपर की अगर यहाँ पर बात करना चाहेंगे, पेपर का जो एनालिसिस था उस समय दोस्तों कोई ज्यादा अच्छे, मतलब कहने का मतलब हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, राज्यपाल कौन थे उस समय, ठीक है, इसके अलावा जो है और कोई मंदिर जैसे करणी माता का मंदिर कहां पर है, ठीक है, नॉर्मल टाइप के प्रश्न वहां पर पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी में भी आपके संधि समास, इसके अलावा आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, उपसर्ग वगैरह, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो आपका इसका पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको डिस्कशन कर दिया दोस्तों। बाकी कुछ विद्यार्थी करेंगे सर रेड क्रॉस का जो है, यहाँ पर रेड क्रॉस का जो है आपका जो कोर्स है दोस्तों वो कहां से करना है, क्या उसकी प्रक्रिया रहने वाली है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रेड क्रॉस जो है दोस्तों आपके एक तो अजमेर जिले के अंदर करवाया जा रहा है, जो आपका यहाँ पर जेएलएन हॉस्पिटल है जवाहरलाल नेहरू उसके पास के अंदर ऑफिस है, एक आपका जो है आपका संगानेरी गेट जयपुर के अंदर करवाया जा रहा है, ये स्टूडेंट ने मुझे बताया था दोस्तों, और बाकी आपके जिले में आप पता कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि दोस्तों एक ही संस्था रेड क्रॉस करवाती है, और भी कई संस्थाएं रेड क्रॉस करवाती है, तो आप वो मान्य रहेगा आपका 4-5 दिन का कोर्स होता है, तो आप वो करके आपके नजदीकी जो भी आईटीओ ऑफिस है वहां पर आपको जाकर वो रेड क्रॉस देना है और एक फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। विस्तृत इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कंप्लीट प्रोसेस है अगला वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी, अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लेना ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। बाकी अच्छा मौका है, सीटी से बाहर भर्ती है और महिला भी इसमें आवेदन कर सकती है, इसमें हो सकता है दोस्तों कि कुछ हैंडिकैप भाई बहनों के लिए भी यहां पर जो है कुछ छूट दी जा सकती है, एक्सर्विसमैन भी आवेदन कर सकते हैं, बाकी जो है इसके अंदर एलडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है और स्टोर रूम की, कई सारी वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड है, पूरी वैकेंसी चालक और परिचालक की नहीं है, इनमें से लगभग मान के चलो कि 3,000 के आसपास ही वैकेंसी, बाकी 2,200 पद और भी आपको मिलने वाले हैं, तो जो विद्यार्थी दूसरे इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर रोडवेज में ही काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है, ठीक है। बाकी मैं बताना चाहूंगा कंडक्टर का और ड्राइवर का सिलेबस सेम ही यहाँ पर रहने वाला, बाकी जो एग्जाम है उनका हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आराम से आप तैयारी कीजिएगा, सिलेबस मैंने बता दिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड हमारी कर लेना, और यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो इसको स्कैन कर लेना अपने मोबाइल के अंदर आप जाकर, वहां से भी आप स्कैन करके भी इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे सर्च कर लेना स्टडी विद एमके चौधरी, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर आप जल्दारी की तैयारी कर रहे हो, ये भी 5,000 पदों की आपकी वैकेंसी है दोस्तों, तो इसमें हमने कोर्स लॉन्च कर दिया मात्र 999 रुपए में, आपको बुक्स भी साथ में मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, और पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है, तो अभी जाकर आप ऐप से डाउनलोड कर लेना इसको भी, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, बहुत ही शानदार कोर्स है। कोई समस्या हो दोस्तों किसी भी प्रकार की, ये नंबर यहाँ पर मैं नोट करवा रहा हूँ 9468-88-437, 9468-88-437 पे जाकर आप मैसेज कर देना, फालतू मैसेज कॉल मत करना दोस्तों, अगर कोर्स ज्वाइन करना है तभी आपको करना है, ताकि आपको प्रक्रिया बता दी जाए, क्योंकि इससे आप भी परेशान रहते हो, हम भी परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ जाते हैं जो कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारी लेते रहते हैं, तो जो आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपकी वास्तव में परेशान हो किसी जानकारी को लेकर, तो आप पूछ सकते हो, बाकी कोर्स आराम से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और भी कोई डाउट है अगले वीडियो में मैं आपकी पूरी क्लियर करने वाला हूँ, कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, महिला उम्मीदवार भी बनवा सकती है क्या, हैंडीकैप भाई बहन भी बनवा सकते हैं क्या, और इसमें कितना खर्चा यहाँ पर आपका आने वाला है, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, ये सारा एक सेशन में कंप्लीट आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना दोस्तों। आवेदन के लिए आपके मन में जिज्ञासा हो रही है कि कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो दोस्तों जैसा कि बताया था आपको पिछले वीडियो के अंदर की अगस्त के अंदर आपके आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे, तो अगस्त तक आप वेट कीजिएगा और अपनी तैयारी जारी कर दीजिएगा अभी दोस्तों। अगर आप अगस्त जब फॉर्म स्टार्ट होंगे फिर अगर तैयारी करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि राजस्थान जी के ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं जानकारी चली गई होगी, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।